हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें, कश्मीर के हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार वहां पर एनकाउंटर जारी था और एक कर्नल समेत 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर के हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, 2 आतंकी भी ढेर हुए थे इस एनकाउंटर के दौरान और लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2 आतंकियों की मारे जाने की पुष्टि खुद सेना ने कर दी है, लेकिन ऐसी जो जानकारी थी कि आतंकियों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है, तो इसीलिए सर्च ऑपरेशन इस एरिया में, हंडवाड़ा के आसपास के एरिया में चल रहा है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था और जो जिसमें 5 जो भारतीय सेना के 4 जो जवान और अधिकारी और साथ ही एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर जो शहीद हुए हैं, उन 5 शहीद हुए थे उसी को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये दोनों आतंकी जो हैं वो स्थानीय हैं या विदेशी, लेकिन अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ऐसा लगता है कि ये LOC पार करके ही कश्मीर में घुसे थे। और जो जानकारी मिल पाई है कि ये कर्नल आशुतोष शर्मा जो हैं, जो 21 RR के CO थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, और मूल रूप से ये जो गार्ड्स जो ब्रिगेड है भारतीय सेना की उससे ताल्लुक रखते थे, अब डेप्यूटेशन पर राष्ट्रीय राइफल्स में थे, 21 RR में थे। 2 बार कश्मीर में ऑपरेशंस के लिए उन्हें सेना मेडल मिल चुका था, एक पिछले साल ही 2019 में मिला था सेना मेडल उनको उनकी बहादुरी के लिए, और एक पहले मिला था, 2 बार इनको सेना मेडल मिल चुका था। और इसीलिए और ये दिखाता है कि किस तरह से जो भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से फ्रंट से रहकर जो CO हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वो लीड करते हैं। तो इस ऑपरेशन के बारे में अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है ताकि और आतंकियों का पता लगाया जा सके।